तो ऐसा नहीं है कि सारे जापान में लोग बिल्कुल अच्छे मिलेंगे आपको, थोड़े वैसे ही मिलते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं स्काई बिल्डिंग। तो जो ऑब्जर्वेशन डेक है वो कुछ इस तरीके का है, ऊपर आप देख सकते हो ना ये वाला व्यू जो है वो आप देख सकते हो यहाँ से, ये ओसाका का व्यू है स्काई बिल्डिंग से। एक अलग सी ही फीलिंग्स, अलग ही वाइब्स है यहाँ पर, मतलब दुबई से काफ़ी बेटर फीलिंग आ रही है अगर मैं सीरियसली बात करूँ तो। दोस्तों ये है व्यू सनसेट का जिसको देखने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। दोस्तों ये है नाइट व्यू ओसाका का। दोस्तों मैं आ चुका हूँ ओसाका स्टेशन, और ओसाका स्टेशन पर आने के बाद बहुत टफ है यहाँ से रास्ता ढूंढना निकालना स्काई बिल्डिंग के लिए। वैसे अंदर से है लेकिन उसका मुझे पता नहीं चला था, तो अभी मैं आया हूँ दूसरे रास्ते से नीचे से घूम फिर के। और जी अगर आप यहाँ पर दो तीन बंदों से पूछा मैंने रास्ता तो भाई वो उनको पता ही नहीं था, मतलब कुछ बात करने के लिए रेडी नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि सारे जापान में लोग बिल्कुल अच्छे मिलेंगे आपको, थोड़े वैसे ही मिलते हैं, मतलब जो बात नहीं करते। कुछ ऐसे हैं जो कि टूरिस्ट हैं, शक्ल आपको जापानीज जैसे लगेगी, ताइवान के हो, हांगकांग के हो, सिमिलर से पता लगेगा आपको, तो ये एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपका हो सकता है। बाकी चलो मैं जा रहा हूँ अभी, एक ने बताया सही रास्ता कि ऐसे ऐसे आपको जाना है। तो रोड आपने देख लिया यहाँ से, इस तरीके से रोड से आया मैं, ये स्टेयर से, और अगर आप अंदर से आ रहे हो तो इससे आना है आपने, ये अंदर अंदर से रास्ता है जाने का, JR ओसाका स्टेशन ब्रिज गेट, उसके बाद ऐसे आप आगे निकल सकते हो यहाँ पे स्ट्रेट। अब एक चीज दिखाने वाला हूँ जो कि बाहर से बहुत खूबसूरत दिखती है, ये अंदर की चीज, सिर्फ बैठने के लिए सिटिंग के लिए क्या चीज बनाई है इन्होंने वो दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो सिर्फ सिटिंग के लिए, नीचे वो चेक करो उधर रेस्टोरेंट है लास्ट में, और यहाँ पे देखो आप, और ये देखो क्या खूबसूरत व्यू है, बहुत प्यारा बनाया हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्काई बिल्डिंग के लिए, स्काई बिल्डिंग का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करूंगा, तब तक आप ओसाका को एंजॉय करो। वो वाली है बिल्डिंग, वहाँ पर जाना है। देखो भाई अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो डायरेक्टली आप वहाँ जा सकते हो, और अगर मेरे की तरह कम पैसे हैं फिर भाई आपको इस तरीके से धक्के खाने पड़ेंगे जो मैं खा रहा हूँ। तो सिंगापुर का आपने ट्रिप देख लिया मेरा, वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली जरूर देख लेना। और ये वाला मैं कोशिश कर रहा हूँ बजट ट्रिप करने की, कर रहा हूँ एक्सपीरियंस अपना आप सबके साथ में शेयर। यहाँ पे पार्क है जो कि छोटा सा पार्क है लेकिन काफ़ी प्यारी पानी की एक्टिविटीज़ है जो कि चली हुई हैं, और एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे लोग जो हैं, बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे हैं बैठे हुए, टाइम स्पेंड करते हैं लोग ना एक दूसरे के साथ में, हमारी रिलेशनशिप हो बच्चों के साथ हो वाइफ के साथ हो हम टाइम स्पेंड नहीं करते, लेकिन भाई जापान के लोग टाइम स्पेंड करना जानते हैं, काम भी करते हैं टाइम भी स्पेंड करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना, जैसे दुबई जाते हैं तो वहाँ का वेदर और यहाँ का जमीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती, थोड़ी सी डिफिकल्ट लाइफ है। ये देखो अब तक मुझे सैलून नहीं मिला कोई भी, वो भी ढूंढना पड़ेगा जी मुझे ना, तब जाके मिलेगा। इतने चक्कर काट लिए मैंने, 4-5 किलोमीटर घूम लिया होगा बुकिंग करके, कहीं नहीं दिखा अब तक। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ स्काई बिल्डिंग, और जो स्काई बिल्डिंग का व्यू है आउटसाइड का पहले वो मैं आप सब लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला व्यू है स्काई बिल्डिंग का ना। दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, जैसे आप एंट्री करोगे तो सीधा आपको लिफ्ट लेनी है, लिफ्ट लेके 39 नंबर दबाना है आपने, 39 तक कोई इशू नहीं है आपको, यहाँ पर 1 रुपये पे नहीं करना, लेकिन जो एक्चुअल में पे करने हैं वो है ऑब्जर्वेशन डेक का। ऑब्जर्वेशन डेक का जो है वो है 2000 जापानीज येन, और अभी मेरे पास है शायद अभी 3-4000 जापानीज येन, तो मैं स्पेंड कर सकता हूँ, तो अदरवाइज मुझे करेंसी भी एक्सचेंज करनी है, तो उसके बाद मुझे निकलना है एक और जगह जहाँ पे खाना पीने का काफ़ी अच्छा प्लान है मेरा, तो वो आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। अभी सिर्फ जो यहाँ का व्यू है मुझे मेनली कवर करना था कि जो सनसेट है वो मैं यहाँ से एक्सप्लोर करूँ सनसेट। तो जो ऑब्जर्वेशन डेक है वो कुछ इस तरीके का है, ऊपर आप देख सकते हो ना ये 39 से आई थिंक 40 या 41 फ्लोर है ऑब्जर्वेशन, 39 पे मैं अभी हूँ, तो वो मुझे एक्सप्लोर करना है। तो मैं देखता हूँ मेरे पास कितना कैश है, उस कैश के बाद मैं डिसाइड करूँगा, नहीं तो फिर मैं अभी सोच रहा हूँ कि डेबिट कार्ड में अपना यूज़ कर लूँ इसके लिए, क्योंकि आगे ऐसा ना हो कि मुझे कुछ खाना पीना हो और फिर मेरे पास वहाँ पर पैसे ना रहें। यस 3000 है मेरे पास अभी ये वाले, बाकी कुछ सिक्के पड़े हुए हैं, सिक्के भी नहीं के 100-500 ऐसे रहते हैं, पर मैं यहाँ पर रिस्क लेना चाहता हूँ क्योंकि करेंसी चेंज करानी है मुझे, तो मैं ये वाले पेमेंट जो है वो अपने कार्ड से ही करूँगा। 2000 जापानीज येन है, तो आई थिंक इंडियन रुपीज़ में अगर हम देखें उसको 1200-1300 रुपये होंगे। देखते हैं ऑब्जर्वेशन डेक का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, और जिनका टिकट काउंटर है वो भी यहाँ जहाँ से हमें लेना है बाय करना है वो ऑनलाइन ही रहता है, मतलब बिल्कुल ही आपको पे करना है चाहे डेबिट कार्ड से कर लो चाहे कैश से कर लो। तो सेल्फी है सब कुछ यहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा स्टाफ नहीं रहता है, जैसे इंडिया में हम देखते हैं ना कि हर जगह पर हर एक चीज़ के लिए स्टाफ रहता है, गाइड करने वाला रहता है, यहाँ पे गाइड करने वाला नहीं है। आपको स्ट्रीट पे जा रहे हो, चाय पानी चाहिए आपको, जूस चाहिए, कुछ भी चीज़ बोतल लिक्विड, थोड़ा बहुत खाना पीना है कुछ भी, सीधा मशीन लगी हुई है, पे करो खा लो लेके, बस इतना ही है भाई। बाकी मेरी थकावट हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत पैदल चला हुआ बहुत ज़्यादा,
एनीवे जापान आए हैं तो इसको तो एक्सप्लोर करना ही है। जब आप एंटर करोगे यहाँ पर हमें स्काई बिल्डिंग की वो है, और यहाँ पर आप देखोगे शॉपिंग करना कुछ कर सकते हो आप, ये आपके उसे देखने को मिल जाएगा। एंट्रेंस के लिए वहाँ जाना पड़ेगा और उसके लिए पहले टिकट परचेज करना पड़ेगा यहाँ से। तो यह टिकट काउंटर और 2000 जापानीज येन की आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ये देख सकते हो आप, एडमिशन टिकट मैंने ले ली है और ये पड़ी है मुझे 2000 जापानीज येन की, कार्ड से मैंने परचेज की है। और यहाँ पर लोग ना जो हार्ट वाले लोग रहते हैं ना वो बहुत बाय करते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे ना हार्ट वाले लोग। और ये है आपका 1500 जापानीज येन का, तो जो प्यार वाले बंदे हैं ये कहूंगा मैं तो बस उनके लिए आए। ऊपर जाऊंगा मैं, ऊपर का व्यू देखते हैं उस यहाँ से क्या दिखाना आपको, ऊपर से दिखाएंगे बिल्कुल ओपनली। पर टूरिस्ट देख सकते हो काफी अच्छे और काफी ज्यादा टूरिस्ट है यहाँ पर। दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ बाय करने का सोचा कुछ ड्रिंक का, और मैंने लिया यहाँ पर इनकी ओरिजिनल ब्लेंडेड कॉफी के नाम से था जो की 400 येन में था, और जो मेरा टिकट था 2000 येन का वो मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुए 1200 रुपए के आसपास, 6 रुपए का 1200 में, तो 1200 आप कंसिडर कर सकते हो। और अभी मैं हूँ 40 फ्लोर पर और जो व्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला व्यू जो है देख सकते हो, ये ओसाका का व्यू है स्काई बिल्डिंग से। अभी ऑब्जर्वेशन डेक पे नहीं गया मैं, अभी जाऊंगा वहां पर, तब तक आप ये व्यू देखो। आई बिलीव यू विल लाइक इट, अच्छा लग रहा होगा आपको ये देखो आप। तो ये है कुछ स्काई बिल्डिंग का व्यू, और अब कॉफी पी के उसके बाद जाता हूँ ऊपर और जो सनसेट है बाकी का जो व्यू है वो शेयर करता हूँ। तो मैं रेडी हूँ जाने के लिए स्काई टॉप, और ये कुछ इस तरीके का व्यू और ये आइटम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से हार्ट लॉक वगैरह ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये वाला व्यू है हमारा स्काई वॉक का, यानी कि ऊपर जाने का रास्ता टॉप पे, तो नीचे निकलते हैं लिफ्ट। फाइनली आ चुका हूँ ऊपर, और 40 फ्लोर था जहाँ पे नीचे था मैं, जहाँ पर कॉफी पी रहा था। ये रूफ टॉप है, रूफ टॉप के नाम से है। तो इसका जो टॉप का व्यू है वो अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ, लेकिन जो हवा आ रही है ना मज़ा आ गया कसम से, बहुत प्यारी हवा आ रही है, बहुत प्यारी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक अलग सी ही फीलिंग्स, अलग ही वाइब्स है यहाँ पर। और पीछे का तो आपने सब देख लिया व्यू, अब मैं आपको आउटसाइड का यहाँ पर दिखाने वाला हूँ यहाँ से रूफ टॉप का व्यू। तो एन्जॉय करो इस रूफ को भी, और देखो ज़िंदगी के भी मज़े लेना सीखो, ज़िंदगी तो हमारे मज़े लेती ही रहती है। सो यहाँ से हम आएंगे, और आने के बाद आपको जो व्यू मिलेगा वो इस तरीके का, फिर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हो। ये कपल हैं, तो मैं शक्ल दिखाता नहीं हूँ थोड़ा सा, ये इधर फोटोशूट चल रहा है भाई का। और ये देखो आप जो व्यू है ना, देखो मतलब ये देखो आप क्लाउड देखो क्या खूबसूरत है, सीरियसली मतलब खुली आंखों से देखने का मज़ा ही कुछ और है भाई। और ट्रेनें तो यहाँ पर दुनिया भर की हैं, मैं मतलब 2 मिनट में कम से कम 10 ट्रेनें मैंने देख ली होंगी। ये देखो आप ना ट्रेनें तो इतनी हैं, 2 आ रही हैं 2 जा रही हैं। तो विदाउट जूम के दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आप लोग जो है वो रिलेट कर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे फिर व्यू को ना। तो इस व्यू के लिए सब कुछ देखो कितने धक्के खाए यहाँ तक पहुँचे। अब जो दूसरी साइड का व्यू है वो भी दिखा देता हूँ। इंडियंस मुझे अब तक यहाँ पर 2-3 ही मिले हैं, कपल वगैरह वैसा नहीं मिला कोई यंग, अभी एक एडल्ट मिले मतलब 70 आसपास के जो भी। और ये देखो जहाँ मेरी फिंगर है ना, मैं जूम करके देखूंगा मैं वहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको, अलग ही लेवल का मज़ा है। देखो जैसे वोल्कान होता है ना वो उस तरीके का, मतलब दुबई से काफ़ी बेटर फीलिंग आ रही है अगर मैं सीरियसली बात करूँ तो। अब लगाया कुछ की अच्छी जगह हूँ, कल से तो कुछ खास नहीं था बट नाउ फीलिंग गुड। वो वहाँ पर फ्लाइट की लैंडिंग हो रही है कि आई थिंक दिख रहा होगा आपको हल्का फुल्का, जहाँ भी मेरी फिंगर है यहाँ वो फ्लाइट की लैंडिंग हो रही है। वो सब पहले जो है आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ, खुद का बाद में एंजॉय करूँगा खुली आंखों से देखने का, पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये देखो व्यू इधर का, ये पूरा सिटी व्यू है इस साइड का, काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, आई थिंक 50 फ्लोर उससे भी ज़्यादा शायद हो सकती हैं। ये देखो आप, बट जो मैं जो साइड आ रहा है वहाँ से हवा आ रही है, तो वो अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है वहाँ से। उधर ही चलता हूँ मैं दोबारा जहाँ से आया था, चक्कर मेरा पूरा हो चुका है। तो ये ऐसे लोग हैं जो कि लगाते हैं और लोग लगा के छोड़ देते हैं कपल। देखो वो लगा रही है उधर लोग ना, दो हार्ट वाले लोग हैं, निशाने के तौर पर फोटो ले रही है कि हमारी जो रिलेशनशिप है मैरिज है जो भी है मतलब कि अच्छी रहे। अब हम दोनों लोग की दोनों ने फ़ोटो ले ली है, उसके बाद जो है ये सारे के सारे लॉकर्स हैं जो कि यहाँ पर वो फिर उसके बाद लॉक करेंगे। ये देख सकते हो ये सारे लॉकर्स वो खड़े मेरे से लगभग
40 फीट की दूरी पर हो। तो जूम कर रहा था मैं, जूम करके दिखा रहा था आपको। ये देखो बस लॉक लगे हुए उनके, और ये उठा लिए लॉकर और अब लगा देंगे आपको। ये लगा दिया देखो उसने, तो उन्हें लॉक लगा दिए हैं और आप लोग सब उसके गवाह बन चुके हो। लेकिन मुझे इसी बीच में एक जो सनसेट का व्यू है वो देखने को मिला है। सोफी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा जूम है तो उतना पता नहीं चल रहा, लेकिन सनसेट के लिए यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं देख सकते हो, ओनली फॉर सनसेट। सो दोस्तों ये है व्यू सनसेट का जिसको देखने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। व्यू बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। जो आपने 1200 रुपये दिए ना, मतलब 2000 जापानीज दिए ना, वो वर्थ है। और लोग देख लिए आपने सैकड़ों के हिसाब से, मतलब भीड़ यहाँ पर इधर देख सकते हो आप, सिर्फ सनसेट के लिए देखो आप भीड़। एक साइड की दिखा रहा हूँ मैं, चारों तरफ है लोग ऐसे ही ना, ये देखो सनसेट का जो व्यू है वहाँ से ना एक ब्लू लाइन से निकल रही है, अगर आप देखोगे ना उसके पीछे, मतलब ब्लू लाइन है वहाँ पे एक ना, वो बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। दिखाता हूँ मैं आपको अगर आपको देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये देखो मैं ज़्यादा जूम नहीं कर रहा, थोड़ा ही कर रहा हूँ, ज़्यादा जूम नहीं दिखेगी। जहाँ मेरी फिंगर है ना, तो बिल्कुल उसके ऊपर ब्लू लाइन निकल रही है, मतलब जहाँ पर सूरज गया है, सनसेट हुआ है उसके ऊपर से। और इसका जो व्यू है ना बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत, मतलब काफ़ी टाइम के बाद सही से मैंने सनसेट देखा है। काफ़ी अच्छा व्यू है देखने के लिए, बहुत प्यारा व्यू लगा मुझे। बाकी इधर भी आप देख सकते हो चेंज हो रहा है पूरा का पूरा, लेकिन हवा जो है ना, वेदर बहुत खूबसूरत है। ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है यहाँ पर, उस चीज़ में मज़ा आ गया बस। दोस्तों ये है नाइट व्यू ओसाका का, स्काई बिल्डिंग से 41 फ्लोर से टॉप से व्यू आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी टॉप फ्लोर से नीचे, और जो स्काई बिल्डिंग का जो व्यू है वो सारा कुछ मैंने आपके साथ में शेयर जो है वो डिटेल्स में जो है वो कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने चीज़ें शेयर की हैं काफ़ी डिटेल्स में इस वीडियो में, वो आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो गई है, मेरे से स्किप हो गई है, तो आप अपने सजेशन दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ताकि और अच्छे से मैं इम्प्रूव कर सकूं। मेन हमारा चैनल है ग्लोबल राशिद, जो कि फाइनेंस, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी की नॉलेज के लिए, उसे भी डेफिनेटली जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप फाइनेंस से रिगार्डिंग नॉलेज चाहते हैं। एनीवे यहाँ का जो ट्रिप था ये कम्प्लीट हो चुका है, और अब मैं चलता हूँ पैक। बाकी की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपके साथ में शेयर करूंगा। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।